तिस लगे हर नाउ न जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस दोए भाए वे गुच्चिए गल पई सुजम की फास जे हा बीजे सो लुणे मथे जो लिखियास रैण विहाणी पछताणी उठ चली गई निराश जिनको साधु भेटिए सुधर गए हुए खलास कर कृपा प्रभु आपणी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभु तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हरे चरण निवास जेठ तो बाद हाड़ दा महीना अति गर्म बहुत गर्म आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाहो न जिन्ना पास जमीन दी गर्दिश ते सूरज दी गर्दिश दे नाल जो रुत बदल दी है और महीना जद हाड़ दा आउंदा है तो भयंकर गर्मी लू चलदी है दर्जा हरारत शिखर ते पहुंचदा है जीव जंतु इस तपश तो अति दुखी होंदे ने ए गर्मी पैदा होंदी है जमीन ते सूरज दी गर्दिश नाल एक होर बकायदा तपश है जो मन दी गर्दिश दे नाल कामनावां दी गर्दिश दे नाल वासना दी गर्दिश दे नाल हिरदे विच पैदा हुंदी है बाहर दी इह जिहड़ी गर्मी है जो जमीन या सूरज दी गर्दिश नाल पैदा हुंदी है इस तों मनुख ने बचण दे अज तक बहुत सारे उपराले कीते ने साधन जुटाए ने देहात विच असी देखते हां अंबां दे दरख्तां दी ठंडी छां पिप्पल दी छां थले बैठ के हवा दे झोंकियां विच और घड़े दा ठंडा पानी पी के हाड़ दे महीने दी गर्मी तो बचण दा उपराला करदे ने सड़े देहात दे लोकी पिंड दे वासी शहरां विच लोगां ने अपने अपने साधना नाल वसीले जुटाए ने कोई अपना ठिकाणा सारे दा सारा एयर कंडीशन कर लेंदा है ठंडा कर लेंदा है वाता अनुकूल कर लेंदा है प्राचीन ऐसा भी सी कि जब तपश बहुत वध जाए तो चंदन दा लेप कर लेंदे सन और इस तरह पिंडे नो बदन नो ठंडा रखण दी कोशिश करदे सन पर ए उपराले सारे तन नू ठंडा रखण वास्ते ने कि जिहड़ी तपश है तन नू जलावे ना तन नू साड़े ना और ए तपश जो जमीन दी गर्दिश नाल ते सूरज दी गर्दिश नाल जो पैदा होंदी है उस तों ही बचण दे साधन ने पर जो इच्छावां वासनावां दी गर्दिश दे नाल मन दी गर्दिश दे नाल हिरदे दी भूमि विच तपश पैदा होंदी है क्रोध दी लोभ दी ईर्षा दी द्वेष दी और तरह तरह दे होर बिखेड़े इन्हां नूं बचण दा उपराला मनुख देखण दे चाहिया है घट ही जुगांदा है और बाहर दे ए उपराले अंदर तक पहुंचते भी नहीं इस वास्ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते साफ कहंदे ने चंदन चंद न सर्द रुत मूल न मिटई घाम शीतल थीवे नानका जपंदड़ो हरि नाम चंदन दे लाया ठंडी छां थले बैठे ठंडा पानी भी पी के
और ठंडी छां थले बैठ के भी हृदय की गर्माश दूर नहीं होगी। बर्फानी पहाड़ां दे चढ़े के भी मनुखां दे हृदय तपे रहिंदे ने, अशांत रहिंदे ने। वो इतना शीतल वातावरण भी देखने दे चाया है, उन्हां दे मन नू शीतल करन विच असमर्थ है। ठंडे इलाके, ठंडे पहाड़, ठंडे बर्फ, उत्थे रहण वालियां दे हृदय भी अत्यंत तपे हुए, तपश दे नाल भरे हुए। तो एक प्रत्यक्ष सबूत है कि बाहर दी इस शीतलता अंतिशकरण नू शीतल नहीं करदी। इस वासी दे संस्कृति श्लोक सतगुरु कहते ने, न शीतलं चंद्र देवे, न शीतलं बावन चंदने, न शीतलं शीत रुदेन नानक, शीतलं साध स्वजने। चंद्रमा की किरणा भी हृदय नु शीतल नहीं कर सकदिया, सिर्फ तन नु ठंडा रख सकदिया। और इसी तरीके नाल चंदन का लेप है, ठंडियां हवावां ने, बर्फानी हवावां ने, शीतल बाहर का माहौल है, ये हृदय नु शीतल नहीं करता। हृदय शीतल केवल परमात्मा दे नाम नाल हुंदा है, ईश्वर दे नाम नाल हुंदा है। तो इस वास्ते साहिब इत्थे पै फरमान करदे ने, आषाढ़ तपंदा तिस लगे है, हर नाम न जिन्ना पास, जिन्हां दे कोल हरि दा नाम नहीं उन्हां दे अंतिशकरण दे ते हमेशा ही हाड़ बनिया रहिंदा है, आषाढ़ दी रुत बनी रहिंदी है, हर वक्त हिरदे तपे रहिंदे ने। पृथ्वी दे ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ 30-31 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਐਸੇ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਿਕਿਆ ਹਾੜ ਤੋਂ ਟਿਕ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਚਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, मनुख की सोचनी नाल चलती है, मनुख के चिंतन नाल चलती है, मन दियां वासनावां नाल जो है चलती है। तो साहब कहना जिन्हां दे कोल परमात्मा का नाम नहीं, आषाढ़ दे महीने की गर्मी उन्हां नू बारों ते तपाउंदी है, पर उन्हां दे अंतिशकरण विच भी हाड़ बनिया रहिंदा है, उन्हां दा हिरदा भी तपिया रहिंदा है, क्योंकि परमात्मा का नाम नहीं है। आषाढ़ तपंदा तिस लगे, हर नाव न जिन्ना पास, जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस। जो जगत का जीवन है, जीवन दे देण वाला है, ते जीव जी सकन अनंत दाता दे देण वाला है, उनू बुला के ए मनुख मनुख की आस ते जी रहा है, बंदा बंदे की आस ते जी रहा है। बंदा उसकी आस करदा जिस तो ये आया है, जिस तो ये जीवन आया है, जिस तो ये सब कुछ आया है। पर मनुखी दुनिया विच कितनी मूर्ता चलती है, बंदा बंदे की आस ते जी रहा है, मनुख मनुख की टेक ते जो है जी रहा है। बाबा फरीद ते बहुत वड्डी फिटकार पांदे ने उस ते, जेड़ा मनुख मनुख की आस ते जीवदा है, फरीदा राती वडियां दुख दुख उठन पास, रिग ते नांदा जीविया जिना विडानी आस। लानत है उना दे जीवने ते जो खुदा नू छोड़ के मनुखी आस ते जीवदे ने और सोचदे ने मनुख तो सुख मिलणगे, पर जिहड़ा आप दुखी है तेनू कित्थों सुख देवेगा। तेनू सुख दी चाहत है, उसनू भी है, एक आम मुहावरा है, ओ मोते सुख चाहत है, हम ओते सुख चाहते हैं। असि उसदे कोलो सुख मंगदे हां, ओ साडे कोलो सुख मंगदा है। भिखारी ते दोवे ने, ते दोवे भिखारी मिल के किसी नू किस तरह राजा बना देणगे, महान बना देणगे, दोहां दी ते चाहत है। एक गाथा है बड़ी सुंदर, कहिंदे ने एक सूफी फकीर नू किधरे उसके चेलिया ने प्रेरिया कि रोज दर बदर भिक्षा मंगनी पैंदी है, चलो अकबर दे कोल जांदे हैं, उसके कोल हाथ फैलांदे हैं, वो इतना कुछ दे देगा साढ़े कई दिन सुख नाल आराम नाल कट जाणगे। जदों ये फकीर अकबर दे महलां च पहुंचे है, अकबर नमाज कर रहा सी अदा,
मस्जिद विच बैठ के शाही मस्जिद विच बैठ के फकीर की मस्जिद ते चला गया। नमाज जद अदा हुई तो दुआ करन बैठा अकबर, अरदास करता है, विनय करता है, दुआ करता है, हे खुदा तू सुख दे, शांति दे, मेरी झोली होर राजपाठ नाल भर, होर मेनू शक्तिशाली बना, तो बख्शिश कर, मेरा राज भाग होर वधा, मेरे खजाने दी धन संपदा होर वधा। इंज जद दुआ पिया करे तो फकीर मुड़ चले। चेले कहन लगे, आए सी तुसी कुछ मंगन ते बिना मंगया ही वापस जा रहे हो। फकीर कहन लगा, मंगते कुल की मंगना, हुण इह वी जिसदे कुल मंग रहे है आपां वी उसे कुल ही मंगांगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, मौन की टेक बिरखी सब जान, देवन को एके भगवान, जिसके दिए रहे अगाए, बहुर न तृष्णा लागे आए। एक परमात्मा का दिता होया ही मनुख नू रजा सकता है, मनुख का दिता होया मनुख नू नहीं रजा सकता। एक परमात्मा की देन ही मनुख नू राजा बना सकती है, रजिया होया बना सकती है। मनुख की देन ते सदीवी भिखारी बना के रखेगी। वो लैण वाला, अगला देन वाला ये सदीवी मंगता बनिया रहेगा। पर जब परमात्मा कुछ झोली विच पांदा है तो परमात्मा ते अपने वर्गा बना देंदा है। वो दाता है, वो राजा है, वो जिसकी झोली विच सौगात पांदा है उसनों भी दाता बना देंदा है। वो भी दाते दुख काटन हार, वह भी दाते बन जाते ने, वह भी राजे बन जाते ने, वह भी महान बन जाते ने। तो साहिब कहते ने, हाड़ का महीना उन्होंने बहुत तपांदा है जो जगत का जीवन परिपूर्ण परमात्मा है, उसनों भुला के मनुखा की आस टेक विच अपनी जिंदगी बतीत करते ने। दोए भाए विगुची है गल पई सुजम की फास, दोए भाए दो पासे दी धामना, दो पासे चलना, एक कदम सच दे पासे, एक पासे एक कदम झूठ दे पासे, एक कदम रोशनी दी तरफ, एक कदम अंधकार दी तरफ, एक कदम धार्मिक मंदिर दी तरफ, एक कदम विकारा दे अड्डे दी तरफ, एक कदम ईमानदारी दी तरफ, दूसरा कदम बेईमानी दी तरफ। कहते ने संसार विच बस इस तरह के लोगों की ही बहुत वड्डी गिणती है जो दुबदा विच पैने, दुबदा दो पासे दी धावना, कदी सच दी तरफ कदी झूठ दी तरफ, कदी प्रकाश दी तरफ कदी अंधकार दी तरफ, कदी ईमान दे तरफ मदरां दी तरफ, कदी वैश्यालयां दी तरफ शराबखानियां दी तरफ। और हैरानगी आउंदी है, ये जो धार्मिक मंदिर दी तरफ भजिया जा रहा सी यही शराबखाने दी तरफ जा रहा है, जिसके हथ विच गुटका सी बाणी पढ़ रहा सी यही गंदा नावल पढ़ रहा है, जिन सियात नाल भरिया हुई कहानियां पढ़ रहा है, जो मिठा मधुर ते सच बोल रहा सी यही मिथ्या बोलन लग पे है, जो बड़े शांतमई ढंग नाल ते विनम्रता दे नाल पेश आया सी यही तकबर प्रगट कर रहा है, यही क्रोध विच आ गया। जो बड़ा दयालु दिखाई दे रहा सी यही कठोर हो गया। संसार विच मनुखी जगत विच बस इन्हां लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जो हमेशा दो पासे चलते ने और जीवन भर चलते ने, और दो पासे चल के मनुख किधरे भी नहीं पहुंचता, उत्थे दा उत्थे ही रह जांदा है। दो पासे चल चल के बंदा थकदा है, टुटदा है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने, जो इस तरह दो रस्ते ते चलते ने अगे ते पिछे आखिर खज्जल खुआर आउंदे ने, दोए भाए वी गुच्चीस गल पई सुजम की फास, और अंतम समय जमा दिफाई गल विच आण पैंदी है, अगला जन्म फिर जो है चल पैंदा है। अगे जाके की आउंदा है तो साहिब कहंदे, जे हा बीजे सो लूणे मथे जो लिखियास, जो बीजे है ते बीज बीज के जो मस्तक दे संस्कार बने ने अगे ते ओही कुछ उसनु प्राप्त होवेगा। जैसे इसके संस्कार बने उसे संस्कारां अनुसार उसे संस्कारां दे भरे हुए मां बाप उसनु मिलणगे।
वैसे ही संस्कारां दा उसनू माहौल मिलेगा और उन्हां संस्कारां दे च अगर पीड़ा सी दुख सी विकार सन तो फिर अगला माहौल भी वैसा ही जो है बनेगा। साई वस्त प्राप्त होई जिसो लाया हेत कहो नानक प्राणी चौथे बैरे लावी लुणिया खेत। जिस तरह की वासना विच मनुख रहा, जिस तरह के कर्मां विच मनुख रहा, जिस तरह के संस्कार संचित करदा रहा, अगली दुनिया उसनु वैसी ही प्राप्त होई। तो जेहा बीजे सो लुणे मथे जो लिखियास रैण विहाणी पछताणी उठ चली गई निराश। जिंदगी दी रात व्यतीत हो गई, मौत दा सूरज उदय हो गया, पछतावा पैदा हो गया। क्यों? हाथ विच कुछ भी नहीं, हाथ खाली रह गए ने, निराशा ही पई है झोली विच। अंतिम समय अगर कोई उदास हो गया है तो समझ लो जिंदगी व्यर्थ चली गई है, पर अंतम समय भी बुलना ते मुस्कुराहट है, चेहरे ते खेड़ा है, तो समझ लो जिंदगी सफल हुई। मौत परचा है, मौत इम्तिहान है, इसने जो 70-80-90 साल पढ़े है, जीवन दे मकतब दे जो कुछ इसने पढ़ाई कीती है, बस हुण मौत दा परचा जो हल करेगा मौत दस देगी। मौत इम्तिहान है, मौत एक परचा है। अगर उस समय मौत नु वेख के बुल्ला ते मुस्कुराहट आ गई, चेहरे ते खेड़ा आया, तो जिंदगी दे मकतब दे पढ़ के सफल हो गया, कामयाब हो गया। पर उदासी छा गई, मायूसी छा गई, रोना छा गया, अश्कबार हो गया, दुखत हो गया, तो फेल हो गया। पृथ्वी विच जिंदगी दे मकतब दे अक्सर लोग फेल हो जाते हैं, कदी कदाई कोई हजारां विच इक कद पास होंदा है। बाकी जो विद्यालय बाकी जो मकतब ने कोई एक कद फेल होंदा है, बाकी पास हो जांदे ने। पर ये जो जीवन का मकतब है, ये जो जिंदगी का विद्यालय है, इत्थे ते कोई एक कद पास हो जांदा है, बाकी सारे फेल हो जांदे ने, उत्थे ते उत्थे जो है रह जांदे ने। तो साहिब कहिंदे ने जिंदगी की रात बतीत हो गई, मौत दा सूरज उदय हो गया, पछतावा झोली विच पिया और निराश होके ये जीव स्त्री जगत तो उठ चली। जिनको साधु भेटी है सो दरगे होए खलास। जिन्हां नु सत्संग नसीब होया, गुरु दी सोबत नसीब होई, ओ दरगाह विच पहुंच गए बंधना नु तोड़ के, सारिया जंजीरां नु तोड़ के, सारे विकारां नु लांबे करके। करके रबा प्रभ आपणी तेरे दर्शन होए प्यास। अषाढ़ दे महीने दा उपदेश करदे है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, सानू अरदास करना सिखांदे ने, हे प्रभु बख्शिश कर, रहमत कर, इस महीने विच तेरे दर्शनां दी प्यास पैदा होवे, तेरी भुख पैदा होवे, तेरे मिलन दी तांग पैदा होवे, क्योंकि प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। नानक दी ए अरदास है, जोदड़ी है, बेनती है, हे प्रभु ऐसो बिना और कोई भी समर्थ नहीं जो मेरे दुख कर सके, तेरे मुकाबले दा होर कोई है नहीं जिस दे अगो मैं अरदास करा। इस वास्ते हे प्रभु तेरे अगो ही अरदास है, तेरे अगो ही जोदड़ी है। आसार सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास। आसार दा महीना उसे लई सुहावना है, उसे लई शीतल है, उसे मनुख लई आनंदमयी है जिसका मन प्रभु दे गुणा दे जुड़े ही रहिंदा है, प्रभु दे चरणा च लीन रहिंदा है। आषाढ़ भला सूरज गगन तपे, धरती दुख सहे सूखे अगन बखे, अगन रस सूखे मरिए भूखे, भीषो किरत नहारे रथ फिरे छाया धन ताके, पींड लवे मंज बारे। अवगुण बाद चली दुख आगे, सुख तिस साच संवारे, नानक जिसनु इह मन दिया
मरण जीवन प्रभ नाले। तुखारी राग दे बारा माह विच धन गुरु नानक देव जी महाराज दा पहले पातशाह जी दा उपदेश संदेश। भला है आषाढ़ दा महीना, सूरज गगन ते तप रहा है, आसमान ते तप रहा है, और इसकी तपश दे नाल धरती भूख सहे, सोख है अगन रखे। धरती तपश दा दुख उठा दिए, सुख है पानी सुकदा है, सरोवरां दा नदी नालियां दा, इस सूरज दी तपश नाल इस अग्नि दे नाल सोका पै जांदा है, सरोवरां दा पानी घट जांदा है, दरियावां दा पानी घट जांदा है। हकीकत है जद मनुख दे अंतिशकरण विच विकारां दा सूरज पूरे जोबन नाल उदय होवे तो उठे शांति दया सुख जांदी है। दैवी गुणा दा जल, दैवी गुणा दी संपदा जो रस है, जो जल दी तरह है, निर्मल है, पावन है, उस सुखना आरंभ हो जांदी है। तपे हुए हिरदे विच दैवी गुण नहीं होंदे। जितना तपे हुआ हिरदा होवेगा उतने ही गुणा तो खाली होवेगा। तो साहिब कहंदे ने धरती दुख सहे, इस तपश दे नाल धरती दुख सहारदी है, सुख है अग्न वखे। सूरज दी अग्नि करके जल सुखदा है, पानी सुखदा है, अग्न रस सुख है, मरिए धोखे पीसो किरत ना हारे। इस अग्नि दे नाल वाकई रस सुखदा है, खत्म होता है नमी जो धरती दे अंदर आती है। सूरज दी तपश उस नमी नू भी खत्म कर देती है। जमीन फटन लग पैंदी है, टुकड़े टुकड़े किधरे हो जाती है, सुख के क्योंकि नमी मुकदी है। उसके अंदर शीतलता, उसके अंदर जो नमी का मादा है वो खत्म होना आरंभ हो जाता है। जितनी भी नरमाई है, जितनी भी दया है, जितनी भी कोमलता है, अगर तपश आ गई है क्रोध दी विकारा दी तो खत्म हो जाती है। देखने दे चाया है कई हृदय च बिल्कुल नमी नहीं आती, बिल्कुल हृदय विच द्रवता है ही नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, अनेक जतन करे आत्म नहीं डरवे, हर दर वेखो कैसे गवे। बड़े यतन करता है, बड़े उपराले करता है, बड़ी पाठ पूजा करता है, पर हृदय इसका द्रवता ही नहीं, कोमल नहीं होता, नमी नहीं है। और जैसे जैसे जमीन जो नमी मुकदी है, जमीन फटती है, जैसे जैसे मनुख दे अंदरों निर्माणता निकल दी है, कोमलता निकल दी है, नमी निकल दी है, वैसे वैसे देखने दे चाया है मनुखा दे जिगरे फट देना उसे तपश नाल। और एक फाड़ निकल पैंदा है बार, जिन्हां दे अपने हिरदे फट गए ने, हुण एक पाड़न दा कम बार करनगे। और इंज कह लो हिरदे जिन्हां दे फट चुके ने, संसार विच पाटो दाड़ी दा कम उन्हां ते होंदा, आद काल तो उन्हां ते होंदा जिन्हां दे हृदय फट गए विकारा दी अगन करके तपश करके। जैसे सूरज दी गर्मी नाल जमीन तपदी है और तपी हुई जमीन फट जाती है, फटी हुई जमीन विच मवेशियां लई चारा नहीं है, किसी नूं पानी नसीब नहीं होंदा, किधरे हरियावली नहीं है, नमी का कोई मादा नहीं है, तो जिथे विकारा दी तपश है बिल्कुल कोई निर्माणता नहीं, कोई कोमलता नहीं, कोई हरियावल नहीं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का एक बड़ा ही शायराना अंदाज, जेड़ा मनुख जितना जालिम होवेगा उसके अंदर उतनी ही नमी नहीं होगी, जुलम नमी नो खत्म कर देगा और उसका हिरदा फटिया हुआ होगा। धरती दुख सहे, सुख है अगन बखे, अगन रस सोखे, मरिए धोखे पीसो किरत ना हारे। पर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहने, अगर ऐसी हालत भी बन गई है, तप गया हिरदा, फट गया हिरदा, फिर भी कर्म करण तो हारे ना, कोशिश करे, यतन करे, इस फटी हुई धरती च भी हल चलावे,
इस फटी हुई धरती विच भी फौड़ा चलावे, इस फटी हुई धरती नूं भी सोधन की कोशिश करे ते अरदास करे, हे प्रभु तू बरस, तू बरस। धरती मैं अपने यतना नाल, अपनी मेहनत नाल सोधदा, ठीक करदा, पर नमी ते तेरी रहमत नाल होवेगी, तेरी बख्शिश नाल होवेगी। तू उपरों बरस ताकि थले कीता होया मेरा कर्म सफल होवे, धरती ते कीती हुई मेरी मेहनत नूं भाग लगे, और ए भाग तां लग सकदे ने तो उपरों बरसे। हकीकत है जद भी कृपा होंदी है, जद भी रहमत होंदी है, उपरों ही होंदी है। इस वास्ते आदि काल तो देखण दे चाया है कि कोई महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी शीश ते ही हथ रख देंदा है, उपरों ही बरक बख्शिश होंदी है, उपरों ही ए बारिश हो जाती है। तो साहिब कहिंदे ने अगन रस सोखे मरिए धोखे पीसो किरत ना हारे, फिर भी अपने कर्मा तो हार न मने। ऐसी हालत विच भी ये ठीक है, धरती फटी हुई होए हल चलाना ते औख है, धरती नूं सोधना ते औख है, लेकिन इस औखियाई नूं ते जरना पेगा, ये कठिन कम ते करना ही पेगा। जद भी कदी कोई नाम जपण लगे, तपस्या कर लगे, अमृत वेले उठण लगे, उन्हों एक गल ते पहले महसूस हो जाएगी हृदय कि धरती मेरे कोल फटी हुई है, तपी हुई है, मेहनत बहुत वड्डी है। और इस फटी हुई धरती नूं वेख के, इस तपी हुई धरती नूं वेख के बहुत सारी दुनिया हल चलाना छोड़ देती है, फावड़ा मारना छोड़ देती है, की लेना है धार्मिक मंदिरां विच, की करना है पाठ पूजा करके, मन ते शांत होंदा नहीं, मन नूं ते चैन मिलदा नहीं, मन दे ते विकार ने, पाठ करके की करना है, धरती ते सुखी हुई है हल चला के की करना है, धरती ते फटी हुई है फावड़ा चला के की करना है, गैंती चला के की करना है। पर कौन दसे तू गैंती चला, फावड़ा चला, हल चला, मता प्रभु बरस पवे, मता बदल बरस पैन, मता रहमत हो जाए। तो साहब इत्थे कहने फिर भी तू अपने कर्मा तो हार न मन, भावे सूरज दी गर्मी धरती नूं फाड़ बैठी है, धरती तप गई है, धरती टुकड़े टुकड़े हो गई है, पर ए जीव हिम्मत कर, उदम कर, निराश नहीं कर दे गुरु नानक देव जी महाराज, फिर भी तू हल चला, फिर भी तू कर्म कर, उदम कर, रथ फिरे छाया धन काके पीण लवे मज बारे। इस सूरज दा रथ घूम रहा है चारों पासे और धरती तप रही है और टिड्डे छोटे छोटे पंछी तड़प रहे ने, बेजार ने, दुखद ने, विकारा करके सिर्फ मनुख ही दुखद नहीं है। देखण विच आउंदा है किधरे दृष्ट रोग विच तपया होया पतंगा जल जांदा है, किधरे वासना दे रोग दा ग्रसे होया हाथी गड्ढे विच फस जांदा है, किधरे गडेड़े दे नाद दा ग्रसे होया हिरन शिकारी दे जाल विच फस जांदा है, और किधरे सुगंध की लिपेट विच आया होया भौरा कमल विच फस जांदा है। सवेरे उसकी लाश ही जो है निकलती है, जब सूरज चढ़दा है ते कमल दा फुल खिड़दा है, भौरे दी लाश ही उस कमल फुल विच जो है निकलती है। एक एक रोग करके भौरा हिरन हाथी और पतंगा और मछली दुखत होंदिया ने, मांस दा स्वाद कुंडी देखी नहीं फस गई मछली तड़प रही है। उन एक एक रोग करके, एक एक विकार करके, एक एक रस करके ये इतने दुखद होंदे ने ते जिस मनुख दे हिरदे च ये सारे विकार होवन उत्थे कितनी पीड़ा होवेगी, उत्थे कितनी दुख ते संताप दी अग्नि होवेगी। पर साहिब कहने फिर भी ए बंदे तू हिम्मत ना हार, भावे सूरज दी गर्मी है, भावे धरती तपी हुई है, अवगुण बाद चली दुख आवे सुख तिस साज संभावे। ये जीव रूपी स्त्री निराश होके अवगुणा दी पोट बन चली है, पर हुण कौन दसे जो अवगुणा दी पोटली तो सिर ते बनी है, इन्हां दा अंजाम दे अगे दुख है। सुख ते ताई मिल सकदा है तैनू, सुख तिस साज संभाले, जो सच दी संभाल करे, प्रभु दी संभाल करे, फिर उसनों
सुख की प्राप्ति हो सकती है। नानक जिसनू एह मन दिया मरण जीवन प्रब नाले, जिसनों गुणा वाला मन दे देता है, जिसनों परमात्मा ने अपना स्वभाव दे देता है, जिसने जीवन ते मरण प्रभु दे लेखे ला देता है, उसका जीवना सफल हो गया, मरना सफल हो गया, क्योंकि उसने अपना स्वभाव परमात्मा वर्गा बना लिया। असाढ़ दे महीने की तपश उसकी शांत हो गई, शीतल हो गई।